Hello guys, welcome back to my channel. My name is Anisha Gulati and if you are new to this channel, please subscribe to my channel and click the like button. So after a long time, मैं एक लॉन्ग वीडियो लेके आ गई हूँ. आई नो आई एम नॉट अपलोडिंग अ लॉन्ग वीडियो फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम और मैं काफी शॉर्ट्स डाल रही थी इतने दिनों से, बट अब एक सुपर ट्रेंडी अफोर्डेबल हॉल लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों की डिमांड पे, क्योंकि काफी लोगों ने डिमांड की थी कि फुटवियर का हॉल चाहिए. सो मैं 5 फुटवियर्स लेके आई हूँ एंड ये सारे फुटवियर्स ना 200, 300, 400 की रेंज में ही मैंने ऑर्डर करे हैं और काफी ज्यादा ट्रेंडी हैं, क्योंकि मैंने ये वाले जो फुटवियर्स है ना इतने ज्यादा एक्सपेंसिव देखे थे ना बाकी ब्रांड्स के पास, और सेम मीशो के पास ही इतने कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे. तो फटाफट से इस हॉल को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि यार कितने अच्छे आइटम्स अब की बार मैंने ऑर्डर किए. तो फर्स्ट वी हैव दीस ब्लैक सैंडल्स एंड आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, काफी डिसेंट पैकेजिंग है. सैंडल्स कुछ ऐसे दिखते हैं और काफी ज्यादा ना क्यूट और ट्रेंडी लगे मुझे, और मैंने ना ये सेम अजियो पे भी देखे थे एंड अजियो पे ना इसका रेट 800 और 900 के अराउंड था एंड मीशो पे ना इसका प्राइस सिर्फ 300 या 400 था. मैं आपको मेंशन कर दूंगी कि इसका मुझे क्या प्राइस पड़ा था एग्जैक्टली, एंड अजियो के कंपैरिजन में तो ये काफी ज्यादा चीप मुझे मिल गया. तो मैंने सोचा यार इसको तो ऑर्डर कर ही लेती हूँ और काफी ज्यादा कम्फर्टेबल है. मैं आपको सच बता रही हूँ, जो इसमें यहाँ पे कुशन लगा है वो इतना ज्यादा सॉफ्ट है ना, मतलब इतना ज्यादा कम्फर्टेबल रहने वाला है ये डालने के लिए. और इसकी हील ना बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, डिसेंट सी हील इन्होंने दे रखी है. तो ये काफी ज्यादा ना आपको कंफर्टेबल भी रहने वाले हैं, अगर जैसे तो जो डेली जाते हैं ना पैदल उनके लिए तो काफी सही है, आप ये आराम से बाय कर सकते हैं. एंड मैंने सारे फुटवियर्स ना 5 साइज में ऑर्डर करे हैं, आई होप कि कोई इशू ना आए साइज में. और नेक्स्ट वी हैव दीज फ्लैट्स, और ये फ्लैट्स ना मेरे फेवरेट है. जैसे ही अराइव हुए थे ना मेरे को देख के इसे प्यार हो गया, बिकॉज इतने ज्यादा ब्यूटीफुल है ना, और इसको जो वर्क दे रखा है वो भी हैंड वर्क है. सो दीज आर द सैंडल्स एंड ये इतने ज्यादा ट्रेंड में थे ना ये इवी लाइव वाले, मैंने इतने ब्रांड्स के पास ये वाले देखे हैं और वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव लगा रहे थे. मैंने एक स्टोर में तो देखा भी था, 999 का आई थिंक था वहाँ पर, और ये सेम मुझे यहाँ पर इतनी अच्छी क्वालिटी में मीशो पे मिल गया, वो भी सिर्फ 250 के अराउंड इसका प्राइस मुझे पड़ा था. मैं मेंशन कर दूंगी कि प्राइस क्या था, बट मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग ना इसकी क्वालिटी, उसका जो लुक है आप लुक खुद देख सकते हैं, इतना ज्यादा मुझे पसंद आया. पूरा हैंडक्राफ्ट वर्क है एंड ये फ्लैट्स ना वेस्टर्न पे भी अच्छे लगेंगे और एथनिक पे भी मुझे लगता है काफी ज्यादा अच्छे सूट कर जाएंगे. मुझे लगता है मीशो ना इसलिए इतना ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वहाँ पे ना इतना कम प्राइस में ना आपको इतनी अच्छी चीज मिल जाती है. तो ये भी टोटली वर्थ इट है, आप इसको जरूर बाय करना, काफी अफोर्डेबल है, क्वालिटी अच्छी है, लुक वाइज अच्छा है और फ्लैट्स है तो काफी कम्फर्टेबल भी रहने वाले है, तो इसको लेना तो बनता ही है. सो नेक्स्ट वी हैव दी शू इन पिंक कलर एंड मैंने पिंक कलर इसलिए ऑर्डर करा है क्योंकि मुझे कुछ अलग सा ऑर्डर करना था शूज में, हमेशा व्हाइट या ब्लैक में ही जाते हैं, तो मैंने सोचा अब की बार थोड़ा सा ना अलग कलर ले लूं. मैं आपको इसका प्राइस बताऊंगी ना तो आपको बिलीव नहीं होगा कि मुझे कितने में मिले हैं, क्योंकि ये वाले जो शूज थे ना इतने ज्यादा ट्रेंड में चल रहे थे काफी दिनों से और इसका प्राइस भी काफी अप था, बट मुझे ना ये मीशो पे जैसे ही 350 रुपीज के दिखाई दिए ना मैंने सोचा इसको तो लेना ही पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये कैसे आते हैं. इसमें कोई रिव्यू नहीं था, इस पे मैंने ना रिस्क लिया था, मैंने सोचा था देखते हैं कि 350 में वो क्या भेजेंगे. आप लोगों ने ना ऐसे शूज काफी देखे होंगे और आपको पता होगा कि ये चीज ना कितनी ज्यादा ट्रेंड में चल रही थी. वैसे ये कन्वर्स के ड्यूप हैं बट पहनने में भी ना काफी ट्रेंडी लगते हैं. अगर हमें कन्वर्स के 3000 या 4000 की मिलते हैं तो क्यों ना हम 300 वाले ही डाल ले. अगर आप कुछ अफोर्डेबल शूज देख रहे थे ना और आपका बजट कम था तो ये अंडर बजट के ही शूज हैं काफी ज्यादा, और इसके अंदर का जो इन्होंने मटेरियल दे रखा है ना वो भी काफी कुशनी है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल ट्रेंडी भी रहने वाले हैं. सो नेक्स्ट वी हैव क्रॉक्स, और क्रॉक्स का तो एक अलग ही क्रेज चल रहा है आजकल, जिसको भी देखो ना तो क्रॉक्स डाल के घूम रहा होता है, और मेरे पास ना एक भी क्रॉक्स नहीं है. और मुझे ना सच बताऊं क्रॉक्स का इतना क्रेज नहीं था, बट नाउ डेज ना मुझे भी वैसा हो गया है कि चलो क्रॉक्स ना ले ही लेती हूँ. तो मैंने ना मीशो से ये क्रॉक्स मंगवाए हैं एंड ये मुझे 450 अराउंड कुछ प्राइस इसका पड़ा था, मैं आपको मेंशन कर दूंगी कि क्या प्राइस था. तो ये मैंने कुछ ऐसे क्रॉक्स मंगाए हैं जो इसके ऊपर चार्म लगे हुए हैं ना, आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे थे चार्म वाला, और ये ना चार्म अलग से भी मिल जाते थे काफी प्लेटफॉर्म पे मैंने ऐसा देखा है, बट वहां पे ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहते थे ये, बट यहाँ पर ऑफकोर्स मीशो है तो सस्ता तो मिलेगा ही. तो ये मुझे कुछ 400 अराउंड का मुझे इसका प्राइस पड़ा था. तो अब इसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि क्वालिटी के हिसाब से अच्छा है कि सिर्फ प्राइस ही सस्ता है. सो लुक एट दीज, काफी ज्यादा क्यूट
लग रहे हैं। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट क्वालिटी है, काफ़ी अच्छा मटेरियल मुझे इसका लगा। बट इसमें ना यहाँ पे एक अजीब सा मार्क है, आपको दिखाई देगा कि नहीं मिरर में, बट एक अजीब सा ना मार्क लगा हुआ है। आई थिंक इसको साफ़ करना पड़ेगा या किसी ने पहने हैं तो मुझे नहीं पता, बट पूरा पैक्ड आया है। यहाँ से भी इन्होंने ऐसे पूरा बांध रखा है, मुझे तो नहीं लगता किसी ने पहना होगा, बट यहाँ पे ना अजीब सा मार्क है, शायद मिट्टी का मार्क होगा, तो मैं साफ करके देख लूंगी इसको। बट ओवरऑल इसका देखा जाए तो इसकी क्वालिटी मुझे काफी सही लग रही है, मतलब जैसे क्रॉक्स की क्वालिटी होनी चाहिए ना वैसे ही इसकी क्वालिटी है। पीछे से ये इन्होंने यहाँ पर ऐसे डिजाइन दे रखा है, आगे फ्रंट पर इन्होंने चार्म्स दे रखे हैं, कि इन्होंने सिप पर बोतल जैसा चार्म दे रखा है, ऑक्टोपस का चार्म दे रखा है, एंड दीज आर लाइक घोस्ट का, सुपर पैन का, मतलब काफ़ी सारे ना इसमें चार्म्स लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लगते हैं पहनने के बाद। अगर आपको कोई ऐसा क्रॉक चाहिए था ना जो अफोर्डेबल हो, क्योंकि मुझे पता है कि बाहर क्रॉक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, सो अफोर्डेबल के हिसाब से ना आप इसके साथ जा सकते हैं। एंड इसमें ना और भी कलर्स थे, आई थिंक ब्राउन ब्लू या कोई कलर था, इसमें चार पाँच कलर थे, बट मुझे ना ये बेज कलर का ही पसंद आया। सो नेक्स्ट वी हैव दीज फ्लैट्स, एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे ये वाले फ्लैट्स में ना बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आपने कभी किसी फ्लैट्स के ऊपर मिरर का वर्क देखा है ना? आप इसका वर्क जब आप देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर इतना अच्छा वर्क दे रखा है, पर्ल का वर्क दे रखा है, थ्रेड वर्क दे रखा है, और मिरर का वर्क तो दे ही रखा है। इतने ज़्यादा ट्रेंडी प्रिटी लगे ना मुझे ये। एंड इसको वेस्टर्न के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं और एथनिक के साथ भी आराम से पेयर अप कर सकते हैं। ये सिर्फ मुझे 250 के अराउंड पड़े थे, एंड बिलीव मी 250 के अकॉर्डिंग तो इतने ज़्यादा ये बढ़िया मुझे मिल गए, रिसीव हो गए हैं ना। मैंने जितने भी फुटवेयर्स ऑर्डर करे हैं ना, मुझे सारे के सारे ही बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी फुटवेयर लेना हो ना मीशो से, तो मैंने सारे लिंक्स मेंशन कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली मीशो पे चले जाएंगे एंड वहाँ से कुछ भी बाय कर सकते हैं जो आपको इनमें से कुछ भी पसंद आया है। एंड मेरा जो रिव्यू है ना, ऑनेस्ट रिव्यू है, क्योंकि मुझे सारे के सारे ही बहुत अच्छे लगे हैं और मैंने इसका एकदम ऑनेस्ट रिव्यू आपको दिया है। सो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको और अच्छे हॉल्स दिखाने वाली हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज।